प्रदेश के खरगोन में भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खरगोन का तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है, जिस कारण शहर एक आग की भट्टी की तरह तप रहा है। तेज धूप और भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। लू के थपेड़े के बीच दिन में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। वहीं खरगोन देश भर में सबसे गर्म शहर कहलाने लगा है। इतनी गर्मी में सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। वहीं लोग जिस छाते का उपयोग बारिश में करते थे, लेकिन इस भीषण गर्मी ने मजबूर कर दिया है कि युवक युवतियों को छाते लेकर निकलने को। जहां एक तरफ व्यापार भी ठप नज़र आ रहा है, वहीं शासकीय कार्यालयों में भी गर्मी का असर देखा जा रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा आपको बताते हैं शासकीय कार्यालय में, जहां कर्मचारी कूलर की हवा में अपना शर्ट उतार कर काम कर रहे हैं। तो सर, आज रविवार को भी आप लोग बैठे हो? क्योंकि होटल शोर पकड़ करता चलता नहीं है। तो आप फिर ये कुर्ता उर्ता उतार के बैठे हो? नहीं, जरा गर्मी आती है और अभी ये कूलर बंद हो गया। बंद हो गया, इसके कारण अब चालू हुआ। टेम्परेचर भी ज्यादा है? हाँ, टेम्परेचर भी ज्यादा है। 47 बता दे, सुनने में आया है कि 47 के आस पास देश में मतलब सबसे ज्यादा गर्मी खरगोन में देखी जाती है। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजेश तिवारी, अकाउंटेंट। गर्मी के अभी ये हाल है तो आने वाले मई या जून में लोगों की क्या हालत होगी? मार्च से ही गर्मी का आगमन हो गया था, लेकिन जो अप्रैल चल रहा है अंतिम सप्ताह है और संपूर्ण राष्ट्र में सबसे अधिक तापमान हमारे खरगोन जिले में है। आज भी करीब 47-47.5 डिग्री का तापमान यहाँ पे चल रहा है। न केवल बड़े लोग, बाकी घर में बच्चों के हाथ में भी सभी ने प्याज थमा दिए हैं और किसी भी प्रकार गर्मी से बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। और चिलचिलाती धूप और बिल्कुल जीना मतलब बड़ा दुश्वार हो चुका है यहाँ पर। और बस सब यही चाहते हैं कहीं पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, कहीं थोड़ा प्याऊ व्याऊ लगाए, पानी वगैरह पी लें। चक्रवात अभी सुनने में आया है, हमारे मित्र लोगों और वैज्ञानिक जन ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक चक्रवात आने वाला है और उसका जो पूरा जो बीच का जो वो रहेगा, दबाव जो बनेगा वो निमाड़ क्षेत्र की ओर ही रहेगा, तो करीब 49 डिग्री तक की गर्मी बढ़ जाएगी। तो एक भयाक्रांत की स्थिति हो जाती है जब हम ऐसा सुनते हैं कि इतना खतरनाक तापमान होगा तो कैसे रहेंगे। रात दिन, रात में भी रात के 2 बजे तक हम ऐसे सोचते रहते कूलर हवा देंगे, लेकिन कोई ठंडी हवा नहीं आती। कूलर से भी बिल्डिंगों से जो तापमान जो चिपक के हवाएँ आती है, तो बच्चे बड़े सब बहुत परेशान हैं। मेरा नाम संजय पाराशर। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट।